हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले रामायण फिल्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि खबरों की माने तो सुपरस्टार यश रामायण फिल्म की शूटिंग दिसंबर के महीने में स्टार्ट करेंगे। रामायण फिल्म में जहां रणबीर कपूर भगवान राम का रोल कर रहे हैं, वहीं यश रावण के रोल में नजर आएंगे। लेकिन पहले पार्ट में रावण का ज्यादा सीन नहीं होगा, क्योंकि पहले पार्ट के एंड में हमें सीता हरण वाला सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर हमें रावण की एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी। तो यश उस सीन की शूटिंग दिसंबर के महीने में स्टार्ट करेंगे। रणबीर कपूर ने रामायण की शूटिंग 90% कंप्लीट कर ली है और अब बाकी की शूटिंग वो 2025 में स्टार्ट करेंगे। सनी देओल रामायण फिल्म में हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे और वो भी अपने हिस्से की शूटिंग 2025 में ही स्टार्ट करेंगे। रामायण की शूटिंग मिड 2025 तक खत्म हो जाएगी और ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। तो देखते हैं रामायण पार्ट 1 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सलमान खान की फिल्म सिकंदर में काजल अग्रवाल का नाम कन्फर्म हो गया है। सिकंदर फिल्म में जहां रश्मिका मंदाना फीमेल लीड में है, वहीं काजल अग्रवाल भी एक खास रोल में नजर आएंगी। अब उनका रोल क्या होगा तो वो हमें फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। सिकंदर फिल्म की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, जिसे AR मुर्गादोष डायरेक्ट कर रहे हैं। लोग सिकंदर फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं, तो देखते हैं AR मुर्गादोष के डायरेक्शन में बन रही सलमान खान की ये फिल्म कैसी होती है। वैसे आप सिकंदर फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। अजय देवगन की आने वाली फिल्म रेड 2 की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। रेड 2 15 नवंबर को आने वाली थी, लेकिन फिर सिंघम अगेन की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। तो अब ये फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रेड 2 को राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है, जिसमें अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख और वाणी कपूर अहम भूमिका में नजर आएंगी। तो देखते हैं रेड के मुकाबले रेड 2 फिल्म कैसी होती है। प्रोड्यूसर साजिद नाडेरवाला ने हाउसफुल 5 में 5 फीमेल लीड एक्ट्रेस को साइन किया है। तो वेलकम टू दी जंगल की तरह हाउसफुल 5 में भी हमें काफी सारे कलाकार देखने को मिलेंगे, जहां अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, नाना पाटेकर, चंकी पांडे और जैकी श्रॉफ लीड रोल में होंगे। वहीं जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, सोनम बाजवा, चित्रांगदा सिंह और सुंदरिया शर्मा फीमेल लीड में नजर आएंगी। तो हाउसफुल 5 के सभी मेन कलाकार कन्फर्म हो गए हैं। हाउसफुल 5 की शूटिंग 15 सितंबर से स्टार्ट होगी और ये फिल्म समर 2025 में रिलीज होगी। अक्षय कुमार को लेकर एक खबर ये भी है कि भूत बंगला फिल्म में कुछ और कलाकारों को साइन किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रियदर्शन के डायरेक्शन बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी अहम भूमिका में नजर आएंगे। जी हाँ, प्रियदर्शन की फिल्म है और इसमें कॉमेडी की किंग ना हो तो भला कैसे मजा आएगा। भूत बंगला फिल्म की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म समर 2025 में रिलीज होगी। तो 2025 अक्षय कुमार के लिए काफी खास होगा, क्योंकि 2025 में जहां जॉली लिबी 3, हाउसफुल 5 और वेलकम 3 आ रही है, वहीं भूत बंगला फिल्म भी 2025 में ही रिलीज होगी। तो आप अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। सनम तेरी कसम का दूसरा पार्ट अनाउंस किया गया है और इसलिए में भी हर्षवर्धन रानी लीड रोल में नजर आएंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फ्लॉप फिल्म का सिक्वल कौन बनाता है। भाई 2016 में रिलीज हुई सनम तेरी कसम फिल्म को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 9 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो अब सनम तेरी कसम के मेकर्स ने कहा है कि हम इसका दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं और इस फिल्म में भी हर्षवर्धन रानी लीड रोल में नजर आएंगे। शूटिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, पर ये फिल्म 2025 में ही रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि MCU के स्पाइडरमैन 4 को डेस्टिन डेलिन क्रेटन ही डायरेक्ट करेंगे। पिछले कई दिनों से खबर आ रही थी कि मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन 4 के लिए सैंगची के डायरेक्टर डेस्टिन डेलिन क्रेटन से बात कर रहा है। तो अब स्पाइडरमैन 4 के लिए डायरेक्टर डेस्टिन डेलिन क्रेटन का नाम कन्फर्म हो गया है। खबरों की माने तो स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग 2025 के शुरू में स्टार्ट होगी और ये फिल्म समर 2026 में रिलीज होगी। तो अगर आप भी स्पाइडरमैन 4 का इंतजार कर रहे थे तो भाई इस बात पर एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। रजनीकांत की बटालियन के बाद डायरेक्टर टी जगनानवेल की अगली फिल्म जंगली पिक्चर्स के साथ होगी, जिसका नाम होगा डोसा किंग। डोसा किंग की कहानी जाने माने बिजनेसमैन राजा गोपाल की जिंदगी पर आधारित होगी। काफी इंटरेस्टिंग कहानी होगी, जिसमें हमें एक क्राइम थ्रिलर कहानी देखने को मिलेगी। कलाकारों को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, पर कहा गया है कि फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी, तो कलाकारों की अपडेट भी बस कुछ ही दिनों में अनाउंस होगी। जंगली पिक्चर्स बॉलीवुड का एक नामी प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने बधाई हो, दिल धड़कने दो और तलवार जैसी और भी कई नामी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं डोसा किंग फिल्म में किस एक्टर को साइन किया जाता है। दुर्गा सलमान की एक नई फिल्म अनाउंस की गई है, जिसका नाम है कांता। कांता फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसे सलवा मानी सलवराज डायरेक्ट कर रहे हैं। दुर्गा सलमान फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं भाग्यश्री बोर से फीमेल लीड में नजर आएंगी।
ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसकी कहानी 50s के दौर में सेट होगी। इस फिल्म को सिंगल शेड्यूल में 60 दिनों के अंदर शूट किया जाएगा, यानी कि कांता फिल्म की शूटिंग नवंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं इसका टीजर ट्रेलर कब तक आता है और ये फिल्म कब तक आती है। राजकुमार राव और तृप्ति दिमरी की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर अच्छा लग रहा है, जिसमें हमें कॉमेडी से भरी एक इंटरेस्टिंग कहानी नजर आ रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि विकी और विद्या अपनी सुहागरात की वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर अचानक से उनकी सीडी गायब हो जाती है। अब कैसे वो सीडी वापस मिलती है और इसके लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है, ये हमें आगे फिल्म में देखने को मिलेगा। कॉमेडी काफी अच्छी लग रही है, तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। राजकुमार राव और तृप्ति दिमरी की ये फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मैं तो पता है बचा, मुंह सामने रख के चला करो। और काफी लंबे समय से रुकी हुई हुम्बाले फिल्म्स के एक्शन थ्रिलर फिल्म बघीरा की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। बघीरा की अनाउंसमेंट 2020 में हुई थी और तभी से लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। बघीरा की कहानी को केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने लिखा है और फिल्म को केजीएफ के प्रोड्यूसर हुम्बाले फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। टीजर काफी अच्छा है, तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। बघीरा फिल्म में श्री मुरली लीड रोल में है, जो इस फिल्म में एक सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे। तो बघीरा 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हुम्बाले फिल्म की केजीएफ और कांतारा काफी अच्छी गई थी, तो देखते हैं कि बघीरा फिल्म कैसी होती है। वैसे आप बघीरा फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।